बयान में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्ती दिखाते हुए बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने शेल्टर होम से जुड़े सभी 17 मामलों को सीबीआई के हवाले कर दिया। साथ ही नीतीश सरकार को भी फटकार लगाई। वही अब केंद्रीय जांच एजेंसी 7 दिसंबर को इस मामले में चार्जशीट दायर करेगी। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ही संकेत दे दिए थे कि कोर्ट इस मामले में पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और कोई बड़ा फैसला ले सकता है। कमजोर एफआईआर को लेकर अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आपको शर्म आनी चाहिए। इसी के साथ ही मुख्य सचिव को पेश होने के आदेश भी दिए थे। कल की फटकार के बाद आज जब मामले पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने बिहार सरकार की मांग को ठुकराते हुए शेल्टर होम से जुड़े सभी 17 मामलों को सीबीआई के हवाले कर दिया। दरअसल बिहार सरकार ने कोर्ट से अपील की थी कि आज आदेश जारी ना करें और एक हफ्ते का वक्त दें, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाई, इसलिए मामले की जांच सीबीआई को देने की नौबत आई। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी का तबादला ना हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 31 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है, जबकि सीबीआई ने बताया कि मुजफ्फरपुर मामले में 7 दिसंबर को चार्जशीट दाखिल करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को शेल्टर होम की जांच करने वाली सीबीआई टीम को तमाम सहायता मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में उठाए गए सभी सवालों की जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में 34 बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई। इस खुलासे के बाद सूबे की सियासत काफी गर्मा गई थी। इस मामले में बालिका गृह के संचालक ब्रजेश ठाकुर, नीतीश कुमार के पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति की गिरफ्तारी हो चुकी है। डीबीलाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।